Assalamualaikum, welcome to SaM stitching channel. कैसे हैं आप सब? I hope ठीक होंगे. आज की ये वीडियो रिक्वेस्टिंग वीडियो है. काफी टाइम से इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे थे कि आप इस डिजाइन को बनाना सिखा दे, तो आज की वीडियो में हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे. तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं. ये मैंने कैप्री की कटिंग कर ली है. ये इसकी पांचे वाली साइड है. सबसे पहले हमें पांचे के लिए 2.5 इंच तक निशान लगाना है. यहाँ पर कट लगा लेंगे ताकि दोनों साइडों पर निशान लग जाए. अब इसको खोलेंगे और फिर इन कट्स तक फोल्ड करके प्रेस कर लें. फिर यहाँ से 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस करना है. और फिर इसके ऊपर लगानी है सिलाई. सिलाई लग गई है, इसको फिलहाल साइड पे करते हैं. अब डोरी बना लेंगे. डोरी बनाने की वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ. आप आई बटन पर क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. डोरी को 2-2 इंच के गैप पर कट कर देंगे. और फिर एक और कपड़ा लेंगे 1.5 इंच चौड़ा, उसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे. ये देखिए मैंने सिलाई लगाई हुई है. और फिर सेफ्टी पिन की मदद से इसको सीधा कर लेंगे. फिर इसको करेंगे प्रेस. प्रेस करने के बाद 1.5-1.5 इंच के गैप पर इसको कट कर दें. ये जो स्ट्रिप्स कट हो गई हैं, अब एक पेपर लेंगे, उसके ऊपर स्ट्रिप्स को इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे. पेपर के ऊपर स्ट्रिप्स को इस हिसाब से रखना है कि पेपर के ऊपर ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इनमें से एक बॉक्स के अंदर ये स्ट्रिप आएगी और एक बॉक्स का गैप छोड़ेंगे. अब डोरे को ऐसे रखकर सिलाई लगाएंगे. डोरी की क्रॉस शेप बननी चाहिए. सलवार वाले पीस को लेंगे. इस सिलाई से ऊपर 2 इंच पर निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रा करें. और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे. अब इसको खोलकर रखना है और इस पीस को ऐसे रखकर सिलाई लगाएंगे. साइडों पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ देंगे जो कि फाइनल सिलाई के अंदर चला जाएगा.
ये देखिए जी सिलाई लग गई है। अब यहाँ पर इस पीस को ऐसे रखकर यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी सिलाई लग गई है। पेपर को रिमूव कर देंगे। अगर कहीं भी पेपर रह भी जाता है तो कोई मसला नहीं, जब हम कपड़े को धोएंगे तो वो पेपर जो है वो इजीली उतर जाएगा। इसको प्रेस करेंगे। अब इससे ऊपर 2.5 इंच तक माप का निशान लगाएंगे। और सीधी लाइन ड्रा करनी है और फिर इसकी कटिंग करेंगे। अब जिस तरह से इन दोनों पीसेस के दरमियान में इस पीस को अटैच किया था, बिल्कुल वैसे ही इन दोनों के दरमियान में इस पीस को अटैच करेंगे। ये देखिए ये वाला पीस भी अटैच हो गया। अब इससे ऊपर फिर से 2.5 इंच के गैप पर निशान लगाएंगे, फिर से सीधी लाइन ड्रा करेंगे और कटिंग करेंगे। और वैसे ही इस पीस को यहां पर अटैच कर देंगे। ये जो तीनों पीसेस अटैच हो गए हैं, अब साइडों पर फाइनल सिलाई लगानी है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।